हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के बारे में। ठीक है, इसकी पूरी प्रक्रिया या फिर प्रोसेस बताने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो में। और ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो भी उत्तर प्रदेश से किसी न किसी यूनिवर्सिटी से या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट या फिर किसी भी कॉलेज से या फिर इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि जो प्रक्रिया है स्मार्टफोन लेने की, उसके लिए आपको क्या करना होगा क्या नहीं, वो सभी की समान है, एक जैसी रहती है सभी यूनिवर्सिटीज़ की और सभी कॉलेज की। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गई, तो इसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर देख लेना। अच्छा, और मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी एक, उसमें बताया था कि उस वीडियो में अपने डाउट वगैरह को कमेंट करो आप लोग डाउट को लेकर। ठीक है, तो उसके आधार पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपके सभी कमेंट्स आए मेरे पास काफ़ी सारे, तो इस पर भी हम बात करेंगे आगे जाकर और सभी कमेंट्स रिप्लाई देने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम जानेंगे प्रोसेस क्या रहता है, उसके बाद आप लोगों के कमेंट के आधार पर हम रिप्लाई करेंगे इस वीडियो में। और इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है बच्चों का, वो है कि दोबारा स्मार्टफोन या टैबलेट हमें मिल सकता है या फिर नहीं। हमें पिछले ईयर या फिर पिछली बार हमें अपने प्रीवियस कोर्स में मिला था एक स्मार्टफोन या फिर कहो टैबलेट, तो हमें अब न्यू कोर्स में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो ये डाउट भी आपका आगे वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना जो है, इसके अंतर्गत कौन से स्टूडेंट्स आते हैं और आपको किस तरह से स्मार्टफोन टैबलेट दिया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लो कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर वहां से या तो यूनिवर्सिटी से या फिर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज से एफिलेटेड है, एनरोल्ड है, किसी न किसी कोर्स में अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको इस योजना का या फिर इस स्कीम का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, अब ये लाभ मिलेगा कैसे, चलिए हम वो इस प्रक्रिया के थ्रू जानते हैं जो कि फिलहाल चल रही है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, आपकी यूनिवर्सिटी है या फिर आपका कोई कॉलेज है या फिर कोई आपका इंस्टीट्यूट है, अगर वहां से आप पढ़ रहे हो, अध्ययनरत हो, तो वहां से आपका डेटा आगे रजिस्टर किया जाता है कहां पर, डीजी शक्ति पोर्टल पर। ओके, डीजी शक्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो डेटा है वो वेरीफाई होने जाता है ओपन नोडल सेंटर वगैरह। ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट इसको वेरीफाई करती है, वेरीफाई करने के बाद फिर वो एक लिस्ट, फाइनल लिस्ट जारी करती है, और जो लिस्ट है वो आपके कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट आती है, और कॉलेज इंस्टीट्यूट आने के बाद फिर आपके कॉलेज वाले आपको अपडेट करेंगे कि आप लोगों का नाम आ चुका है और आप अब केवाईसी कर दो, ईकेवाईसी। ठीक है, ईकेवाईसी कर दो, तो ये प्रोसेस रहता है इसमें सिंपल सा। अब इसमें एक और चीज जान लो जो काफी स्टूडेंट्स के में दिक्कत आती है, वो क्यों आती है, देखो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपके कॉलेज के थ्रू डेटा आगे सेंड किया गया, ठीक है, वहां से वेरीफाई हो गया। ठीक है, मान के चलिए आपके कॉलेज वालों ने 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट भेजी स्मार्टफोन के लिए, एग्जांपल के लिए। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद जो लिस्ट है उसमें 80 बच्चे वेरीफाई हो गए, ठीक है, 10 बच्चे उसमें ब्लॉक लिस्ट में आ गए, मतलब रिजेक्ट हो गए, तो इनको तो मिलने से रहा। ठीक है, 10 बच्चे ऐसे होंगे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जो पेंडिंग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और पेंडिंग से मतलब क्या है कि इनके में दिखाएगा या तो एनरोलमेंट नंबर गलत दिखाएगा, ठीक है, या फिर रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाएगा, इस तरह से ये काफी इश्यूज इनको देखने को मिलेंगे। तो देखो, जो ये बच्चे जो वेरीफाई हो चुके हैं, तो इनको तो सिंपली अपना ईकेवाईसी कर देना है। ठीक है, ईकेवाईसी कर देना है इनको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ईकेवाईसी कर देना है इनको, फिर वेट करना है स्मार्टफोन कॉलेज में आने तक का। जैसे स्मार्टफोन कॉलेज में पहुंचा देगी गवर्नमेंट, देन आपको स्मार्टफोन दे दी जाएगा। अब यहाँ पर ये बच्चे तो रिजेक्ट हो गए पूरी तरह से, ठीक है, जो बच्चे पेंडिंग में है, जैसे मान के चलिए जिनकी डीओबी कॉलेज से गलत फिल हो गई या फिर उनका एनरोलमेंट नंबर गलत फिल हो गया, तो यहाँ पर इनको दिक्कत होती है, तो इनका सॉल्यूशन क्या है, तो इनका सॉल्यूशन सिंपल सा यही है, आपको अपने कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट को कॉल करना है, वहां पर जाना है, उनको बताने के सर हमारा एनरोलमेंट नंबर गलत दिखा रहा है या फिर जो डेटा रिजल्ट है वो नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो आपको इसमें बताइए क्या समाधान हो सकता है, तो वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट वाले अपने हैंड से ये चीज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा सर कि हमारा रजिस्ट्रेशन डीजी शक्ति पोर्टल पे हमारे कॉलेज वालों ने किया है या फिर नहीं किया, तो ये कैसे पता चलेगा, चलिए मैं आपको ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बताकर दिखाकर कि आपको किस तरह से चेकआउट करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ। उससे पहले हम एक डाउट कवर कर लेते हैं, यहाँ पर दोबारा मिल सकता है स्मार्टफोन या फिर नहीं। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स का ये भी मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर दोबारा हमें स्मार्टफोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर दोबारा स्मार्टफोन या टैबलेट मिल सकता है, क्योंकि हमें प्रीवियस कोर्स में मिल गया था और हम अब उसी यूनिवर्सिटी से या फिर अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, तो हमें स्मार्टफोन या टैबलेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो क्लियर कट इसका जवाब है नहीं मिलेगा आपको। अब इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब उन स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमारे जो पुराने दोस्त हैं उन सभी को तो दो दो बार मिल गया, तो गाइस उनको मिल गया वो पुरानी बात है, बट अब न्यू स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल लेटर के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने क्लियर कर दिया है कि अगर एक बार इस योजना का जिन स्टूडेंट्स ने लाभ उठा लिया, अब वो सेकंड टाइम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर मैंडेटरी हो चुकी है ईकेवाईसी। ठीक है, ईकेवाईसी यहाँ पर अब होने लगी, और इसका मतलब ये होता है जब आप ईकेवाईसी करोगे तो वहां पर आपका आधार कार्ड नंबर फिल होता है, उसके बाद आधार कार्ड में जो आपका फोन नंबर लिंक है वहां पर ओटीपी आता है, देन वो वेरीफाई होता है।
ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है, अगर आपने एक बार लाभ उठा लिया होगा तो सेकंड टाइम ये रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर ई केवाईसी का एक ये मतलब है जो कि अभी रनिंग में चल रहा है, इससे पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो तब बच्चों को दो दो स्मार्टफोन या फिर टैबलेट मिल गए, बट इन फ्यूचर नहीं मिलने वाले, ये आप भूल जाइए, क्लियर होगी वाली चीज। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपको अपने कॉलेज का रजिस्ट्रेशन किस तरह से चेक करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ स्मार्टफोन के लिए या फिर नहीं हुआ। तो चलिए फिर हम उस स्लाइड पर चलते हैं, अभी यहाँ पर आ चुके हैं वेबसाइट पर, और यहाँ पर हम जानेंगे आप लोग अपने हैंड से किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं कि आपके कॉलेज वालों ने आपका रजिस्ट्रेशन किया या फिर नहीं किया। तो ये वेबसाइट है डीजी शक्ति गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, ठीक है। अब इसमें आप लोग कैसे चेक करोगे मैं आपको वो बता देता हूँ अच्छी तरीके से, और इस वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है वो मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग डायरेक्ट उस लिंक पर टैप करके और इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हो। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर जुड़ सकते हो फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। तो यहां पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस वेबसाइट पर आकर आपको यहां पर सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड को सिलेक्ट करना है। मान के चलिए जैसे हमने ये ओपन करा, अब यहाँ पर काफी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ये आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे पास जो काफी स्टूडेंट्स हैं वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे या फिर हम यहाँ पर आर नाम से यूनिवर्सिटी को देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा रहा होगा, आप देख सकते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ठीक है। तो हम इस पर टैप कर देंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करेंगे, तो एग्जाम्पल के लिए हमने इसको टैप किया, ठीक है। टैप करने के बाद आप लोग देख सकते हो आरएमपीएसयू से एफिलेटेड जितने भी कॉलेज होंगे हाथरस एटा अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। और जिन कॉलेज के यहाँ पर नाम नहीं आते तो मान के चलो वो ब्लैक लिस्ट वगैरह में, तो अपने कॉलेज से संपर्क करना। तो मान के चलिए हमने कोई भी एक एक्स वाई जेड हमने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हमने मान के चलिए हमने ये आपका जो कॉलेज है हमने रेंडमली कोई सेलेक्ट कर लिया, तो अपना कॉलेज इंस्टीट्यूट आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा, ठीक है। जैसे आपका जो रिजल्ट आता है या फिर आपकी जो मार्कशीट रहेगी उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा, तो आपको यहाँ पर वो फिल करना है। उसके बाद कैप्चर कोड पे यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद अगर यहाँ पर आपका इंटरफेस खुलता है और नीचे आपका नाम और ईकेवाईसी पेंडिंग दिखा रहा होता है, तो आप मान सकते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। बट यहाँ पर इशू आता है जब भी स्टूडेंट्स कोई स्टूडेंट इस तरह से एंटर करता है अपनी सारी चीजें, है ना, तो उसको वहां पर दिखा रहा था कि आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर नहीं फाउंड है, मतलब इनवैलिड एनरोलमेंट नंबर है, तो आपने क्या करना होगा उस सिचुएशन में, ठीक है। और किसी का डेटा रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाता है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आपको अपने किसी मित्र का जो भी आपके आसपास का हो उसका रोल नंबर या फिर उसका रोल नंबर से आपको उसका रिजल्ट देखना है, और उसके रिजल्ट में उसका एनरोलमेंट नंबर देखना है, ठीक है, अपने दोस्त का एक दो बच्चों का, और उसको यहाँ पर आकर फिल करके देख लेना। अगर उन बच्चों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके ही रजिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कत है, ठीक है। अगर आपने चार पांच स्टूडेंट्स का नाम चेक कर लिया और सभी के मैं दिखा रहा हूं एनरोलमेंट नंबर गलत है, इनवैलिड है, तो मान के चलिए आपके कॉलेज वालों ने जो है वो रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है अभी तक, ठीक है, क्लियर हुई वाली चीज। मतलब ये जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर यूनिवर्सिटी और एनरोलमेंट नंबर और कॉलेज बोर्ड वगैरह फीड करके यहाँ पर सबमिट करने पर अगर रिकॉर्ड दिखाता है नीचे और पेंडिंग दिखाता है ईकेवाईसी के लिए, तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और जिन भी स्टूडेंट्स का नहीं दिखा रहा है एनरोलमेंट नंबर इनवैलिड दिखा रहा है, तो उन स्टूडेंट्स को अपने किसी दोस्त का एनरोलमेंट नंबर डालकर चेक करना है, 3 से 5 दोस्त का चेक करना है। अगर उनमें से किसी एक का भी ओपन हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपके कॉलेज से रजिस्ट्रेशन हुए हैं और आपके रजिस्ट्रेशन में कोई ना कोई दिक्कत है। तो फिर अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब आपको ये करना है कि सिंपली अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करनी है, उनको पूछना है कि हमारा एनरोलमेंट नंबर गलत दिखा रहा है। अब यहाँ पर गलत दिखा रहा है तो उसमें क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो इसमें यह होता है कि जैसे किसी किसी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नंबर जो है ना वो गलत दिखा रहा होता है, इनवैलिड दिखा रहा होता है, बट उनका जो कॉलेज में जो लिस्ट आई हुई होती है ना स्मार्टफोन वगैरह की, उसमें उनका एनरोलमेंट नंबर अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका एनरोलमेंट नंबर है कोर्स में आपके रिजल्ट में वो अलग होता है। तो यहाँ पर अगर दो एनरोलमेंट नंबर है तो आपका दूसरे से ईकेवाईसी वगैरह हो जाएगी। तो इस बात की जो जानकारी है आपको अपने कॉलेज से ही लेनी पड़ेगी। जब उनके पास लिस्ट आएगी तो वहां पर अपने कॉलेज आइए, उनसे पूछिएगा सर हमारा नाम चेक करिए, नाम डालकर जैसे मान के चलिए किसी का नाम है राहुल है, ठीक है, किसी का राहुल है, तो वो वहां पर जो लिस्ट है इसमें उसका नाम सर्च करेंगे। अगर उसका नाम वहां पर आता है तो वहां पे ऑब्वियसली बात है उसका एनरोलमेंट नंबर अलग होगा और उसके रिजल्ट में उसका एनरोलमेंट नंबर अलग होगा, और रिजल्ट वाले एनरोलमेंट नंबर से ईकेवाईसी होगी नहीं, जो वहां पर लिस्ट में एनरोलमेंट नंबर होगा उससे उसकी ईकेवाईसी हो जाएगी। तो एक ये मेन इशू होता है, ठीक है। और अन्यथा इसमें काफी सारी चीज होती है डीओ भी गलत वगैरह, तो वो हम कमेंट के माध्यम से देख लेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स की दिक्कत आ रही है और किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है फॉलो करके, या फिर यहाँ पर कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी ले आऊंगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने कमेंट्स की तरफ, जो कि काफी स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर करते हैं, ठीक है। अब हम अपने कमेंट पढ़ते हैं जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो पे आए थे, ठीक है। और इस वीडियो पे अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट को ऊपर ही लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर जो कमेंट आया है वो एक ये है आराध्य मिश्रा जी का आया, यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने बोला है कि स्मार्टफोन की लिस्ट आ गई है क्या, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। हम घर से स्टडी करते हैं, होम से स्टडी करते हैं रेगुलरली, इनका कॉलेज आना जाना नहीं होता, कॉलेज वालों से तो कुछ नहीं बताया अभी तक कॉलेज वालों ने। तो सबसे पहले तो आपको अपने कॉलेज से पूछना है, बाकी मैंने अभी जो प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया अपना रजिस्ट्रेशन किस तरह से चेक करना है, तो वो आप करके देख लेना। अगर आपका नाम वहां पर आ रहा है तो आप ईकेवाईसी कर देना अपने हैंड से, अगर नहीं आ रहा तो अपने दोस्त का चेक करना, अगर उसका भी नहीं आ रहा तो फिर अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करना, उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन वगैरह किया नहीं आपका डीजी शक्ति पोर्टल पर स्मार्टफोन टैबलेट के लिए, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर इन्हीं का सेकंड कमेंट ये था कि सर मेरा 5th semester है, नवंबर में एग्जाम होगा, तो हमें कब स्मार्टफोन मिलेगा, फाइनल ईयर है। तो देखो आप चाहे 1st year में हो, चाहे 2nd year में हो, चाहे वो 3rd year में हो,
आपका जो डेटा है वो आपके कॉलेज वालों पर डिपेंड करता है, वो आपका कब फीड करते हैं, कब आगे सेंड करते हैं गवर्नमेंट को, जिससे कि वो फिर वेरीफाई करके आपको ई केवाईसी करा के और आपके कोर्स एंड तक आपके स्मार्टफोन आपके हाथ में दे दे, ठीक है। तो बेसिकली सारा प्रोसेस आपके कॉलेज के थ्रू होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कमेंट पर। तो अगले कमेंट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है पेंस म्यूजिक कंपनी, ठीक है, आईडी का नाम है ये। और इन्होंने हमसे पूछा है कि स्मार्टफोन के लिए क्या करना होगा, तो मैंने आपको अभी बताया जस्ट क्या करना होता है, ठीक है। कोई फॉर्म हमें फिल करना है क्या, देखो कॉलेज वालों के ऊपर, अगर वो आपको गूगल फॉर्म फिल करवाएं या फिर आपको कॉलेज बुलाकर एक ऑफलाइन फॉर्म फिल करवाएं या फिर ना करवाएं, अपने एंड से ही वो डेटा आगे सेंड करते हैं आपके रिकॉर्ड को देखते हुए, तो ये आपके कॉलेज से ही पता चलेगा काफी सारी चीजें, ठीक है। और हम अभी फिफ्थ सेमेस्टर में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग एलिजिबल हो, अपने कॉलेज से बात करो, उनसे पूछोगे सर हमारा रजिस्ट्रेशन डीजी शक्ति पोर्टल पर कर दिया या फिर नहीं, बाकी वही प्रोसेस अप्लाई करो जो मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, अपना रजिस्ट्रेशन कैसे आपको चेक करना मिला इसी वीडियो के स्टार्ट में बताया, तो वो आप करके देख लो। तो आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बी बॉस ने पूछा है, सर हम बिहार से हैं बिलोंग करते हैं, देखो अब सुनना सभी लोग ध्यान से, और हमारे एमपीएससी से बीएड कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर खत्म हो गया है, थर्ड सेमेस्टर रनिंग में है और एग्जाम होने वाले हैं, और हमें स्मार्टफोन मिलेगा या फिर इसका प्रोसेस क्या वो बता दीजिए, उन्होंने ये पूछा है। तो सिंपली मैंने आपको बता दिया है प्रोसेस वीडियो के स्टार्टिंग में, वो देख लेना, रजिस्ट्रेशन अपना चेक कर लेना, और आपको जो क्वेश्चन है कि आपको मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि आप बिहार से हो तो श्योर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से मतलब उत्तर प्रदेश से बीएड कर रहे हो इसलिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी आरएमपीएस उससे आप बीएड कर रहे हो, तो आपको स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वही है कि आपको अपनी प्रक्रिया देख लेनी है पहले, और अपने कॉलेज या फिर अपने हैंड से रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक कर लेना है, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर अपने किसी क्लासमेट वगैरह दोस्त वगैरह का रजिस्ट्रेशन चेक कर लेना है, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया, ठीक है, क्लियर होगा ये वाला डाउट आप सभी का। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है हमारा गोल्डी यादव जी का, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सर मेरी बीएड कंप्लीट हो गई है, ठीक है, क्या मुझे स्मार्टफोन मिलेगा, थैंक्स। तो सबसे पहले तो ऑलवेज वेलकम इसके लिए। सेकंड इसमें ये है कि आपका जो स्मार्टफोन है या फिर आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर, उन्होंने आपका रजिस्ट्रेशन किया या फिर नहीं किया। कोर्स एंड होने के बाद भी स्मार्टफोन दिए जाते हैं एक एक साल बाद तक, ठीक है। अब ये कैसे, जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है ये अगस्त के आसपास, ठीक है, बट सेप्टेम्बर में आप लोग के रजिस्ट्रेशन हुए हैं फोर्थ सेमेस्टर वालों के, 1 से 15 के बीच में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो अगर आपके कॉलेज वालों ने आपका रजिस्ट्रेशन किया या फिर नहीं किया, तो आप वही प्रोसेस से चेक कर सकते हो जो मैंने आपको बता दिया। अगर किया है तो फिर आपको वेट करना होगा, अगर नहीं किया तो अपने कॉलेज से बात करनी होगी, ठीक है, क्लियर होगा ये वाला डाउट। अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो अगले कमेंट देखिए, अगले कमेंट है तीन विवाह तालीबार के। देखो ये कमेंट किया करो, इतने कमेंट मत किया करो, ठीक है, दिक्कत होती है मेरे को भी, बट यहाँ पर कमेंट ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आंसर कर रहा हूँ सभी को। इन्होंने पूछा है कि सर ये स्मार्टफोन है वो कोर्स करते करते मिल जाता है या फिर कोर्स पूरा होने के बाद। देखो कोर्स रनिंग में भी मिल जाता है और कोर्स एंडिंग पर भी मिलता है और एंड होने के बाद भी मिलता है, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है आपके कॉलेज के थ्रू से, और फिर वहाँ पर कितना लंबा प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी को कब जो स्मार्टफोन टैबलेट गवर्नमेंट पहुंचाती है या फिर आपके कॉलेज को, तो वो डिपेंड करता है कोर्स के ड्यूरिंग में मिलता है और कोर्स के एंड होने के बाद भी मिलता है, डिपेंड करता है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, वो आपको कब आपके कॉलेज के थ्रू, ठीक है। सेकंड है, क्योंकि आरएमपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऑल क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे इस बार, ठीक है, कब अपडेट आएगी, मैंने आपको बता दिया, तो क्वेश्चन पैटर्न वगैरह चेंज हो सकता है बट पासिंग वैल्यू वही रहती है। जैसे आप यूजी के स्टूडेंट्स हो तो 75 का आपका टर्म एग्जाम होगा जिसमें से 25 आपको पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर चाहे ऑब्जेक्टिव करा ले चाहे सब्जेक्टिव करा ले, आपको 25 नंबर लाने उस हिसाब से, ठीक है, तो ये मैंने बता भी दिया है, वीडियो देख लेना एग्जाम पैटर्न वाली, सब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। थर्ड का कमेंट है, सर स्मार्टफोन के लिए केवाईसी हमको करनी है या फिर कॉलेज वालों को खुद कर देंगे कॉलेज वाले, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ठीक है, काफी स्टूडेंट का ये कमेंट आता मेरे पास। तो देखो इसमें क्या होता है, आपके कॉलेज वाले अपने हैंड से भी केवाईसी कर देते हैं, वो आपसे ओटीपी वगैरह पूछते हैं फिर कॉलेज बुलाकर आपको सामने बैठा के आपकी केवाईसी कर देंगे, कॉलेज करने वाले कर देते हैं, अन्यथा आप अपने हैंड से भी कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं होता उसमें, ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब दोनों हैंड से हो जाता है, बट आपको वहां पर प्रेजेंट रहना होगा, ठीक है, क्योंकि ओटीपी वगैरह के लिए और अपनी डिटेल वगैरह सेंड करने के लिए। तो अगला कमेंट है वो है श्रुति गुप्ता जी का, देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने पूछा, भैया मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, इस ईयर एडमिशन लिया है, तो मुझे स्मार्टफोन मिलेगा या फिर नहीं, तो मैंने आपको बहुत बता दी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, डिपेंड करता है आपके कॉलेज के रजिस्ट्रेशन करने के ऊपर, ठीक है, कब वो कर पाते हैं, कब आपको डेटा आगे सेंड करते हैं, उस आधार पर सारी चीजें डिसाइड होती हैं, तो मिलेगा तो कैसे मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, मुझे क्या करना होगा उसके लिए प्लीज बता दीजिए, आई रियली नीड, ठीक है, तो नीड तो सभी को होती है खैर, ठीक है, चाहे जिनके पास फोन हो या फिर ना हो, सब चाहते हैं कि हम अगर कोर्स में पढ़ रहे हैं तो हमें भी स्मार्टफोन मिला, थोड़ा सा एक अच्छी सी फीलिंग आती है और कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि स्मार्टफोन इतना तो है नहीं कि मतलब आपको उसमें काफी सारी चीजें कर पाओ, या क्योंकि वो कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट से, ठीक है, और कोई इतना बड़ा रैम रोम वगैरह प्रोसेस वगैरह इतना हाईफाई तो है नहीं कि आप इसमें हैवी टास्क कुछ कर पाओ, है ना, तो बस वही एक फीलिंग होती है बस अच्छी सी कि हमें स्मार्टफोन मिला रनिंग कोर्स में। तो आपका जो आंसर है वो वही है कि अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना है, उनसे पूछना है कि वो आपके फॉर्म फिल करवाएंगे, अपने हैंड से डेटा को आगे सेंड कर देंगे, चाहे वो आपके फर्स्ट ईयर में करें चाहे वो सेकंड ईयर में करें, डिपेंड करता है उनके ऊपर, ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला डाउट। अगला कमेंट देखिए, अगला कमेंट है दिव्य शर्मा जी का, सर मैंने अभी एडमिशन लिया है एमए में, मुझे अभी मिलेगा क्या फोन, वही है अभी जो मैंने प्रीवियस इनको आंसर दिया सेम आपके लिए यही चीज इंप्लीमेंट होती है, तो वो आप पूरी वीडियो देख लेना क्लियर हो जाएगा। एजुकेटर यहाँ पर क्वेश्चन है, सर केवाईसी करनी पड़ेगी फोन के लिए, यस करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है इस बार, अगर नहीं करते तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, कॉलेज में फॉर्म फिल कराए थे अभी तक नहीं मिला बीएड में,
तो देखो आपने अगर खुद ही अगर फॉर्म फिल किया है, फिर गूगल फॉर्म के थ्रू उनको फॉर्म दिया है, तो वो आपका डेटा ना आगे रजिस्टर करते हैं, वो आपसे डेटा डिटेल लेकर आपके फिर वो आगे रजिस्टर करते हैं। तो सारा काम आपके कॉलेज वालों का ही, आपको मिलेगा या फिर नहीं, अगर लिस्ट वो वेरीफाई होकर आ गई होगी और आपका नाम होगा, तो वो कॉलेज वाले आपको खुद बता देंगे कि आपको KYC करनी है, ठीक है। और अगर वो नहीं बता रहे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद चेक कर सकते हो। तो अगला कमेंट देखते हैं, अगला कमेंट है इन्फॉर्मेशन वर्ड का। तो इन्होंने हमसे पूछा है, सर मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन डी शक्ति पर दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, तो आपका रजिस्ट्रेशन आपके कॉलेज वालों ने कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको KYC करनी होगी, KYC या फिर आपने कर दी होगी KYC, ठीक है। तो मुझे थर्ड सेमेस्टर में मिल जाएगा या फिर नहीं मिल जाएगा, तो ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, वो आपको कब फॉर्म या फिर सॉरी फोन दे, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको KYC करनी और अपना काम ओके कर देना एकदम, ठीक है। उसके बाद जब भी स्मार्टफोन आएंगे, तो आपके कॉलेज वाले आपको खुद अपडेट करेंगे और आपको स्मार्टफोन दे देंगे, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में भी मिल सकता है और कोर्स एंड होने के बाद भी मिल सकता है, अगर एक बार डेटा आगे वेरीफाई होगा तो आपको मिलेगा, चाहे वो 4-6 महीने या फिर 1 साल डिले क्यों ना हो जाए, ठीक है। अगला कमेंट है आप लोगों का कोर्सेज से रिलेटेड, शुभम यादव जी का है। इन्होंने पूछा बीएड थर्ड सेमेस्टर का बैक का फॉर्म कब फिल होगा, सेशन 22 और 24 है। मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, आपका जो बैक का फॉर्म है वो आपके अक्टूबर के आसपास आपके कॉलेज के थ्रू फिल होगा, ठीक है, क्योंकि नवंबर लास्ट से और दिसंबर से आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, मेन एग्जाम और बैक पेपर वालों को एक्स स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है वो अक्टूबर के लास्ट से या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से फिल होंगे आपके कॉलेज के थ्रू, वो आपको अपडेट कर देंगे या फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पर इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अभिषेक शर्मा जी का, सर बीएड फोर्थ सेमेस्टर का बैक पेपर कब होगा। तो देखो फोर्थ सेमेस्टर का जो बैक पेपर बेसिकली वो नेक्स्ट ईयर ही होगा 2025 में, ठीक है, जो एक्चुअल वे है अप्रैल से मई के बीच में। बट अगर इससे पहले आप लोगों का एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, जैसे कि स्पेशल एग्जाम में UGPG BA BSc BCom वालों को कराया है, तो आपको मैं श्योर इन्फॉर्म कर दूंगा, तो चैनल से जुड़े रहना और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़े रहना, आपको अपडेट मिल जाएगी। बाकी आप लोगों का जो मैक्सिमम टाइम है वो वही है नेक्स्ट ईयर 2025 में अप्रैल से मई के बीच में, ठीक है। अगला कमेंट देख लें, अगला कमेंट है चाहत गुप्ता का। तो इन्होंने क्या पूछा इनसे, किस किस को मिलेगा स्मार्टफोन और क्या क्राइटेरिया है। तो किस किस को मिलेगा, जो भी उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से अध्ययनरत हैं उन सभी को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है वो मैंने बता दिया, आप किसी न किसी कोर्स में एनरोल्ड हो, जैसे बीएड हो गया, एमएड हो गया, एलएलएम हो गया, आईटीआई हो गया, डी फार्मा, बी फार्मा, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीपीएड, ये सभी कोर्सेज को दिया जाता है, ठीक है। तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, सभी स्टूडेंट्स को मिलता है टैबलेट स्मार्टफोन कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, अगला कमेंट है ऑलराउंडर, ठीक है। इन्होंने पूछा सर मेरा आधार कार्ड पर एड्रेस दिल्ली का है, लेकिन मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर RMPSU का स्टूडेंट्स हूँ, तो क्या मुझे स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, सर मेरा आधार कार्ड पर एड्रेस दिल्ली का है, लेकिन मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर RMPSU के स्टूडेंट्स हूँ, तो क्या मुझे, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को भी स्मार्टफोन टैबलेट का लाभ मिला है, तो आपको भी मिल जाएगा। अपने कॉलेज से बात कर लेना एक बारी, ठीक है, वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को आप, तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को मिला भी है। बस इसमें वही होता है कि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से एनरोल्ड होने चाहिए, तो आप इस स्कीम का लाभ उठा पाओगे, क्लियर। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अख्तर अंसारी जी का कमेंट है। इन्होंने पूछा एमसर सर बीएड सेशन 22-24 बैच था, क्लियर हो गया है, पास हो गया है, ठीक है, और पास भी हो गया है, KYC भी कर दी है, लेकिन स्मार्टफोन नहीं मिला। देखो अभी ना रजिस्ट्रेशन होके चुके हैं 1 से 15 सितंबर के बीच में, और फिर 15 से 30 तक वेरिफिकेशन वगैरह चलेगा, उसके बाद जो भी लिस्ट वगैरह आएगी अपडेट कर दूंगा, साथ जुड़े रहो, टेंशन की जरूरत नहीं है। आपका काम ओके है तो आपको मिल जाएगा, चाहे थोड़ा सा देर अवेर सही, ठीक है। अगला है बीटेक करके है कोई, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि सर बीएड 2023 वालों को मिलेगा स्मार्टफोन और क्या क्या खुद से ही करनी है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, प्रीवियस वीडियो देख लो जाके, स्टार्टिंग मैंने बताया आप स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के, आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या क्या करना होगा, अपने कॉलेज से बात कर लो, अगर वो कुछ से आपसे फॉर्मेलिटीज कराते हैं, फॉर्म वगैरह फिल कराते हैं, तो कर देना, अन्यथा वो अपने एंट्री डेटा आगे सेंड कर ही देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि शायद लास्ट है ना, मोनी जी का है। इन्होंने पूछा है सर हमारे कॉलेज वाले मार्च से बोल रहे हैं मिलेगा, बट अभी तक हमारे लिए नहीं मिला स्मार्टफोन, जबकि कासगंज एटा में और कई सारे कॉलेज में मिल गया है, और सिर्फ हमारे कॉलेज में ही वाले कोई न्यूज नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों। देखो इसमें क्या है, पहली बात तो अपना रजिस्ट्रेशन आपको चेक कर लेना है, जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा फिक्स नहीं है, किसी किसी कॉलेज को जल्दी मिल जाता है, किसी किसी कॉलेज को बाद में मिलता है। मान चलिए आपका जो सेशन है, जैसे मान चलिए बीएड सेशन 22 और 24 का था, ठीक है, 22 और 24 में, तो यहाँ पर किसी स्टूडेंट को सेकंड सेमेस्टर में स्मार्टफोन मिल गया, और किसी किसी को अभी फोर्थ तक नहीं मिला, उनका अंडर प्रोसेसिंग चल रही गाड़ी, और शायद नेक्स्ट ईयर तक मिल पाए, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बट ये कि अगर आपका काम ओके है, आपकी EKYC हो गई है और आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ दिखा रहा है और वेरीफाई दिखा रहा है, तो फिर आपको इन्फ्यूजन मिल जाएगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पर कोई दिक्कत है तो अपने कॉलेज से पता कर लेना, अपना रजिस्ट्रेशन जरूर चेक कर लेना, अगर रजिस्ट्रेशन है तो मिल जाएगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ कॉलेज जो फास्ट काम करते हैं ना, बेसिकली एक्यूरेट टाइम पर, तो उनको उनके स्टूडेंट्स को जल्दी मिलता है, और जो थोड़े से स्लो कॉलेज होते हैं तो उनके स्टूडेंट्स को थोड़ा सा देरी हो जाती है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस इसमें यही है, अगली कमेंट पर बढ़ते हैं। अगली कमेंट है हमारी
रोहित सिंह की, ठीक है। इन्होंने हमसे पूछा है सर बी एस सिक्स सेमेस्टर स्पेशल एग्जाम बैक का रिजल्ट कब तक आ जाएगा आपके अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग पूछा, मैंने आपको वीडियो में शायद बता दिया है, आपका रिजल्ट आपके एग्जाम से 20 सितंबर आपके एग्जाम एंड हुए हैं, तो मान के चलिए 20 अक्टूबर तक आप लोगों को अपना रिजल्ट देखने मिल सकता है, 20 से 25 अक्टूबर तक मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इससे ज्यादा डिले करना उचित नहीं होता, एक महीना सफिशियंट है बैक पेपर के रिजल्ट के लिए, ठीक है। अगला कमेंट फिर से मोनी जी का है, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में बैक वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम कब होगा। सर बी एड 24 वाले हैं, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में देखो, थर्ड की बैक का एग्जाम नवंबर से दिसंबर यूनिवर्सिटी और सेमेस्टर के साथ होगा, और फोर्थ सेमेस्टर बैक का एग्जाम नेक्स्ट ईयर जाके अप्रैल से मई के बीच होने वाला है। क्लियर हुई वाली जी? तो आपके लगभग सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। इनका एक और डाउट फिर बचता है, सेम वही डाउट है, सॉरी मैंने डबल बार स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो इसमें बस वही है, मैंने आपको सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिए। इसके अलावा भी कोई डाउट है और इसी तरीके से आप रिप्लाई चाहते हैं मेरे से, तो मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने डाउट लिख देना, क्वेश्चन लिख देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसके आधार पर बनाकर दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अधिक कन्वर्जेशन के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।